press the bell icon on the YouTube app and never शराब में Instagram चेक कीजिए ना, फराद हकीम की बेटी जो या ममता बनर्जी का सबसे लाडला मंत्री और पश्चिम कोलकाता का मेयर है, आप अब उनकी बेटियों का आप Instagram चेक कीजिए, एकदम नंगे नुचे कपड़े में रहती है। और उसने पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर को कहा है कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, तो मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए सारी वो सारी चीजें हो रही है जो पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, हमारे पश्चिम बंगाल में होता है। पाकिस्तान में ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता है, हमारे पश्चिम बंगाल में होता है। पाकिस्तान में नशा का व्यापार होता है, हमारे पश्चिम बंगाल में होता है। पाकिस्तान में रेप होता है, हमारे पश्चिम बंगाल में होता है। पाकिस्तान की सरकार रेपिस्ट को बचाती है, हमारे पश्चिम बंगाल में बचाती है। तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पाकिस्तान में होता है। आप मैंने कई बार जिक्र किया है नासिर खान कादर खान का, 2011 में ममता बनर्जी जी की सरकार आई थी और 2012 में ये रेप दो मुसलमान भाइयों ने किया था, एक क्रिश्चियन लड़की को उठा करके। और ममता बनर्जी साहिबा ने कहा था ना सजीवी। सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो की वो देंगी पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नजर आ रहा है इंसाफ होता हुआ, नजर आ रहा है आगे कि ये इंसाफ मिलेगा। और क्या फिर अगर ये इसी तरह बैक पे रहती है, तो वहां पर जो लोग हैं जो इतने अरसे से इन्हीं को वोट कर रहे हैं, इन्हीं को वोट देके अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही, अकल नहीं आ रही उनको, ये किस तरह के लोग हैं कि जो अपनी माओं बहनों बेटियों की इज्जतों से खेलते हैं और फिर दोबारा से इन्हीं को वोट लाकर अपने ऊपर वो मुसल्लत कर लेते हैं। यहाँ वोट नहीं होता है मुजफ्फर भाई, जैसे आपके पाकिस्तान में लूट होता है वैसे यहाँ भी लूट होता है। मैंने तो कहा कि ममता बनर्जी के सबसे लाडले मंत्री फरहाद हकीम साहब, जिनकी बेटियां नंगे नुचे कपड़े में दारू शराब में, इंस्टाग्राम चेक कीजिए ना, फराद हकीम की बेटी जो या ममता बनर्जी का सबसे लाडला मंत्री और पश्चिम कोलकाता का मेयर है, आप अब उनकी बेटियों का आप इंस्टाग्राम चेक कीजिए, एकदम नंगे नुचे कपड़े में रहती है। और उसने पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर को कहा है कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, तो मिनी पाकिस्तान बनाने के लिए सारी वो सारी चीजें हो रही है जो पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, हमारे पश्चिम बंगाल में होता है। पाकिस्तान में ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता है, हमारे पश्चिम बंगाल में होता है। पाकिस्तान में नशा का व्यापार होता है, हमारे पश्चिम बंगाल में होता है। पाकिस्तान में रेप होता है, हमारे पश्चिम बंगाल में होता है। पाकिस्तान की सरकार रेपिस्ट को बचाती है, हमारे पश्चिम बंगाल में बचाती है। तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पाकिस्तान में होता है। आप मैंने कई बार जिक्र किया है नासिर खान कादर खान का, 2011 में ममता बनर्जी जी की सरकार आई थी और 2012 में ये रेप दो मुसलमान भाइयों ने किया था, एक क्रिश्चियन लड़की को उठा करके। और ममता बनर्जी साहिबा ने कहा था ना सजीवी घटना है, हम तो इसको नहीं मानेंगे। और तभी मैंने कह दिया था, हालांकि मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी मैं 2012 में, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये महिला की सरकार जरूर है भैया, लेकिन महिलाएं इसमें सुरक्षित नहीं है, ये तुष्टिकरण की राजनीति ज्यादा फेवर कर रही है। तो उस वक्त जो मेरे से बड़े हैं उन्होंने मुझे चुप करा दिया था कि क्या बोले जा रही हो तुम, क्योंकि उम्र बहुत कम थी। तो सब मुझे कहने लगे कि भाई चुप हो जाओ, तुम क्या क्या बोले जा रही हो, वो एक महिला है, वो केस को हैंडल करेंगी। उसके बाद फिर उनकी ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान आया, क्या लड़की क्रिश्चियन है ना, उसकी क्या इज्जत है, लड़का मुसलमान है, पैसा मांगी होगी, पैसा नहीं दिया होगा, इसीलिए रेप का आरोप लगा दिया। तब भी मैंने कहा कि देखो ये गलत हो रहा है, वो भले सारी महिलाएं हैं और सब मंत्रालय में बैठी हुई है और महिला जो है वो मुख्यमंत्री है, इट्स नॉट मीन कि वो महिलाओं से उनका अटैचमेंट है, एक इमोशनल जो है वो एक कनेक्शन है उनका, कि वो भी महिलाएं हैं तो महिलाओं की सुरक्षा को वो बहुत महत्वपूर्ण समझेंगी, बहुत वैल्यूएबल समझेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज अ प्रो पॉलिटिशियन, शी इज नॉट वुमेन, शी इज अ प्रो पॉलिटिशियन। और वो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो अपने पॉलिटिक्स और अपनी सत्ता और अपने चेयर को ही देंगी, वो महिला को नहीं देंगी। शी इज नॉट लाइक जयललिता, जयललिता वो थी जो अपनी जात को पहले इज्जत देती थी, जयललिता वो थी जिनके सरकार के नेतृत्व में महिलाएं अपने आप को बहुत पावरफुल समझती थी, लेकिन ममता बनर्जी वो नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार में मुसलमान लुच्चे लफंगे गुंडे आरोपी बलात्कारी अपने आप को पावरफुल समझते हैं।
तो कैसे होगा फिर ये जो जिसने ये किया है उसको एक इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा जैसे आपने बात की कि कोई कोई किसी किसी बेटी की तरफ उंगली उठाकर ना देख सके, अपनी गंदी नजर उसके जिस्म पर ना डाल सके, तो ये कैसे मुमकिन होगा फिर कि वो उसको एक पकड़ा भी जाएगा और सजा भी होगी। देखिए सजा तो होगी और पकड़ा भी सभी जाएगा, चाहे वो ममता बनर्जी के किसी नेता का कोई बेटा हो, भांजा हो, भतीजा हो, जिसको सेव करने के लिए, जैसे शेख शाहजहां को अपने नेता को वो सेव करने के लिए बहुत कुछ करी, उन्होंने तिजोरियां खोल दी, उन्होंने पावर पूरा इस्तेमाल कर दिया कि भाई शेख शाहजहां मांस बलात्कारी को उनको बचाना है, लेकिन आज वो जेल की हिरासत में है, देर हुआ लेकिन जेल की हिरासत में है। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि केस अब सीबीआई को जा चुका है, और बहुत सारे ऐसे राज हैं जो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जो अब सामने आ रहे हैं, और देश के बड़े से बड़े डॉक्टर्स और देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अब इस केस में इंटरफेयर कर चुके हैं। हमारी चेष्टा रहेगी कि हम इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी सुनवाई, इस केस की सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट में, हमारी कोशिश रहेगी कि ये पूरी दुनिया इस प्रदर्शन में, इस इंसाफ के आवाज में गले से गला मिलाए। और मैं बहुत आभारी हूँ मुजफ्फर भाई कि आपने इस टॉपिक पर मुझे इनवाइट किया है और सारे सच को सामने रखने का एक मौका दिया है। आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी के जो समर्थक, जैसे अंजुम खान के समर्थक पाकिस्तान में है, तो उसी तरीके से ममता बनर्जी के जो समर्थक और फरहाद हकीम के जो समर्थक और द डॉन न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान में है, वो इंक्वायरी करे, वो पता करे कि सौरभ मांझी कौन है, वो पता करे कि सुरेश दास कौन है, वो पता करे कि शरीफ हसन का क्या हाथ है, वो पता करे कि आयुष प्रसाद कौन है और शरीफ हसन कौन है, मेहताब कौन है, क्योंकि मेहताब एक वो आदमी है जिसने जो पाकिस्तानी है और उसने अपने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि इस बच्ची का रेप जो भी 7-8 लोगों ने किया है, काश उसमें मैं भी एक होता, क्योंकि माल बहुत जबरदस्त है। अपनी बहन के बारे में भी ऐसे रिमार्क्स दे, अपनी बहन के बारे, अपनी माँ के बारे में भी, बिल्कुल करता होगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति बाहर औरतों को देख करके नोचने का कोशिश और अश्लील सपना देखता है, वो क्या अपने घर में बहु बेटियों को देख करके नहीं देखता होगा? भाई जो हमारे पास है, जो शरीर का अंग हमारे पास है, वही उसकी बहन के पास भी है, वही उसकी माँ के पास भी है, वही पार्ट्स, तो बिल्कुल करता भी होगा शायद। भाई हमारे इस्लाम में अंदर अंदर हलाला होता है ना, ससुर के साथ बिस्तर शेयर किया जाता है ना, देवर के साथ बिस्तर शेयर होता है ना, लेकिन बाहर बात आती है तो मैं क्योंकि खुल करके बोल देती हूँ तो मेरे लिए गुस्ताखे रसूल, घंटा काहे को गुस्ताखे रसूल, मैंने किया ही नहीं है, जो कर रहा है भैया उसका गला पकड़ो, उसको काटो, मेरे को बोलने से पहले एकदम प्रूफ के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि मैं सिर्फ भारत के कोर्ट पर निर्भर रह जाऊंगी, मैं वो हूँ कि मैं मक्का भी पहुंच जाऊंगी, मदीना भी पहुंच जाऊंगी और इंटरनेशनल कोर्ट भी पहुंच जाऊंगी और यूएन भी पहुंच जाऊंगी और बुला भी लूंगी कि आजा आके यहाँ पर प्रूफ कर। तो देखिए चाहे कितनी भी कोशिश ममता राज्य सरकार कर ले, आरोपी आने वाले 10 दिन के अंदर बहुत हिजाब खुलेंगे, बहुत सारी चीजें खुल करके आएंगी और पाकिस्तानी जो समर्थक और पाकिस्तानी जो सपोर्ट हमारे पश्चिम बंगाल में जो आतंकवादियों को दिया जा रहा है वो भी खुल करके सामने आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से देखें, जुल्म तो जुल्म है, वो भारत में हो पाकिस्तान में हो, भारत में जुल्म हुआ, भारत के लोग बाहर निकले, तो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि एक 10 साल बच्ची के साथ रेप करके उसको मारा गया, वो पीर साहब थे यहाँ पर, इस वजह से उनके मुरीद उनके हक में निकले हैं वहां पर के जी हमारे पीर साहब को रिहा करो, इनको ना पकड़ो, थाने वाले भी उसके हक में थे। पीर साहब करेंगे तो गुस्ताखे रसूल की सजा उनके लिए नहीं होगी? नहीं, उनके लिए उनको खुली छुट्टी है, वो जो मर्जी करें उनको खुली छुट्टी है। वो 10 साल देखें, वो कमरे के अंदर मौजूद थी वो बच्ची,
उसका रेप हो रहा था, जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उस पीर साहब की बीवी आई, उसने पीर साहब को उठाया कि भाई ये मर रही है, जिसको तुमने रेप किया है वो मर रही है, तो वो फिर उठे उसको फिर वो लेके गए, लेकिन वो नहीं बच सकी। तो घर वालों को भी पता था कि वो पीर साहब जो है वो 10 साल बच्ची के साथ क्या गुल खिला रहे हैं, उन मुरीदों को भी पता था जो उसके मुरीद हैं, उस इलाके के लोगों को भी पता था, लेकिन वो सारे पीर साहब के हाथ भी चूम रहे हैं, उनके पाँव को भी हाथ लगा रहे हैं, उनको नजर व न्याज भी दे रहे हैं, आज भी वो वैसे के वैसे चल रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि हम भारत की तरफ जब उंगली उठाते हैं, हमें अपने गिरेबान के अंदर भी जागने की जरूरत है कि यहाँ पर जो इस तरह का जुल्म ज्यादती हो रहा है उसके खिलाफ कौन बाहर निकला। यहाँ पर हर बंदा ये कहता है कि जी मेरी बेटी के साथ तो ऐसे नहीं हुआ, दूसरे की बेटी के साथ हुआ कोई बात नहीं, खैर है। अगर आप दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी समझेंगे, उसके खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उस पर आप बाहर निकलेंगे, तभी आप इस मुसलमान तो दूर की बात है, आप इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप भारत की तरफ देखने भी जाए, अपने मुल्क की तरफ देखें, अपने गिरेबान के अंदर जाके कि यहाँ पर हिंदू बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो हम मुझे यहाँ पर पाकिस्तान में बुरा कहा जाता है, आपको वहां पर इंडिया में बुरा कहा जाता है। तो हक बात सच बात को सुनने का हौसला होना चाहिए और अपने आप को हक के साथ खड़ा करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। नहीं, इनका इस्लाम खतरे में तब नहीं आता है जब ये रेप करते हैं और पीर बाबा जब रेप करते हैं, जब ये मजार में जाकर माथा फोड़ते हैं, तब इनका इस्लाम खतरे में नहीं आता है। नहीं, लेकिन हम सच बोल देते हैं तो तब इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, आप बहुत ही बड़ा काम कर रही है। मैं फिर से आपको, मेरे देखने वाले भी आपकी जो खैरियत है उसके लिए भी परेशान रहते, तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। भारत माता की। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा कैसे नाज़िया खान जी ने ममता बनर्जी से लेके जो मेन कल्प्रिट है इस केस का यानी संजय रॉय और उसी की तरह जो भी हवस के दरिंदे हैं उन सबको एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।